खबर मीडिया। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे अब आर्यन खान केस में एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा आज शाहरुख खान के जन्मदिन वाले दिन ही हो चुका है। जी हां, आपको बता दें आज शाहरुख खान का एक बार फिर से जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और शाहरुख खान के घर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच ये भी देखने को मिला है कि आज एक बार फिर से शाहरुख खान की पोल खुल गई है और ऐसा लग रहा है कि अब आर्यन खान के बाद शाहरुख खान से भी पूछताछ हो सकती है। तो कैसे अब शाहरुख खान की पोल खुल गई है और कैसे अब शाहरुख खान से भी पूछताछ होने जा रही है, जानने के लिए आप सभी हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान के बेटे की वजह से लगातार शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू तो कम हुई ही, लगातार शाहरुख खान का नाम बदनाम तो हुआ ही, इसके अलावा अब शाहरुख खान की भी परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि NCV के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, वो लगातार शाहरुख खान आर्यन खान के खिलाफ अभी भी सबूत कलेक्ट करने में जुटे हुए हैं। आज बेशक से शाहरुख खान और उनका बेटा पूरी तरह से आजाद है, जेल से बाहर है, लेकिन बावजूद इसके हमें देखने को मिल रहा है कि समीर वानखेड़े की जितनी परेशानी बढ़ी है आर्यन खान केस में, जिस तरह से उनको धमकियां मिली हैं, जिस तरह से उनकी तहकीकात कराई गई, जासूसी कराई गई, इसके बाद समीर वानखेड़े पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि समीर वानखेड़े किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी कार्रवाई शाहरुख खान और उनके बेटे के खिलाफ कर सकते हैं। ऐसा इस वजह से भी क्योंकि समीर वानखेड़े ही वो शख्स हैं जो कि लगातार शाहरुख खान और आर्यन खान के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं और शाहरुख खान और आर्यन खान के खिलाफ लगातार सबूत भी जुटा रहे हैं। खबर यह है कि अभी हाल ही में जब शाहरुख खान अपना जन्मदिन मना रहे थे तो भी शाहरुख खान के घर के बाहर से पुलिस की कई सारी गाड़ियां गुजरी थी, जिससे शाहरुख खान काफी डरे हुए नजर आ रहे थे और शाहरुख खान को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आर्यन खान को अभी भी पुलिस वालों से खतरा है और आर्यन खान बेशक से जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आर्यन खान की अभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसी वजह से आज शाहरुख खान अपना जन्मदिन तो मना रहे हैं, जहां तमाम सेलिब्रिटी आज शाहरुख खान को बधाई दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शाहरुख खान का डर अभी भी कम नहीं हुआ है और शाहरुख खान के ऊपर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ साथ आर्यन खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि NCV के अधिकारी जो हैं वो शाहरुख खान के खिलाफ अब छोटे मोटे नहीं बल्कि कुछ ऐसे बड़े सबूत जुटाने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में ये साबित किया जा सके कि आर्यन खान रियल में ड्रग्स लेता था और सिर्फ छोटी मोटी मात्रा में ही ड्रग्स नहीं लेता था बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में आर्यन खान ड्रग्स लेता था। मैं आपको बता दूं कि जिस कदर शाहरुख खान और आर्यन खान की बातें सामने आई हैं, हमने देखा था कि शाहरुख खान ने खुद परमिशन दिया था और यहां तक कहा था कि आर्यन खान जाकर ड्रग्स भी ले सकता है और अगर उसके लड़कियों के साथ संबंध भी है तो भी इससे शाहरुख खान को कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब यही है कि शाहरुख खान को सब कुछ पता होते हुए भी शाहरुख खान ने आर्यन खान को छूट दी और उसका नतीजा ये निकला कि आर्यन खान लगातार ना सिर्फ ड्रग्स लेता गया बल्कि एक के बाद एक जुर्म की दुनिया में कदम रखता गया और उसी का नतीजा है कि जब वो फंसा तो पूरी तरह से बवाल मच गया और शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू तो गिरी ही, साथ ही साथ उनका नाम भी बदनाम हुआ। अब आने वाले दिनों में NCV की टीम एक बार फिर से शाहरुख खान से बुलाकर पूछताछ कर सकती है क्योंकि NCV की टीम को आज भी शाहरुख खान और उनके बेटे पर शक है ड्रग्स केस में। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।